है गाइज वेलकम बैक अगेन तो फ्रेंड्स आज के इस लेसन में भी हम सीखेंगे 65 प्लस हमारे आम बोलचाल में यूज़ होने वाली कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले गाइस तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट सेंटेंस से क्या आपको मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं आर यू गेटिंग माई मैसेजेस आर यू गेटिंग माई मैसेजेस उसे यहाँ बुलवाओ गेट हिम कॉल्ड here. गेट him called here. तुम अभी तक यहीं पर हो यू आर स्टिल here. यू आर स्टिल here. अब कोशिश करके कोई फायदा नहीं है There इज नो यूज ट्राइंग now. There इज नो यूज ट्राइंग now. नेक्स्ट वन इज वो कुछ बड़बड़ाई पर मैं सुन नहीं पाई या समझ नहीं पाई शी mumbled समथिंग बट आई डिंट कैच मम्मल का मतलब होता है पुटपुटाना धीरे से बड़बड़ाना मतलब कम आवाज में धीरे से जबा दबा कुछ बोलना नेक्स्ट वन इज मुझे मेरी सैलरी कब मिलेगी वेन विल आर रिसीव माई सैलरी वेन विल आर रिसीव माई सैलरी नीचे उतरो गेट डाउन गेट डाउन वो दूध गिरा देगा ही माइट स्पील द मिल्क ही माइट स्पील द मिल्क नेक्स्ट टाइम मैं फ़ोन करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल वो सुनेगा ही विल लिसन ही विल लिसन या फिर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि वो मेरी बात सुनेगा तो आप बोल सकते हो ही विल लिसन टू मी बर्तन वर्तन साफ करो कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना तो इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं डू द डिशेज एंड ऑल डू द डिशेस एंड ऑल यह थका देने वाला काम है इट्स अ वर्क इट्स अ टारिंग वर्क अगला सेंटेंस है हमारा यह बहुत बड़ी मदद होगी उनके लिए इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर देम इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर देम जाकर बैठो वहाँ गो एंड सीट देयर गो एंड सीट देयर दोबारा ऐसी रौंदू शक लेकर मेरे पास मत आना डोंट कम टू मी अगेन विद दिस वीपी फेस डोंट कम टू मी अगेन विद दिस वीपी फेस ठंडी चीज़ें खाना कम कर दो कट डाउन ऑन कोल्ड थिंग्स कट डाउन ऑन कोल्ड थिंग्स मुंबई में वह अपनी मम्मी के साथ रहता है ही लाइव इन मुंबई विद हिज मदर He lives in Mumbai with his mother. Next one is अपने शर्ट से अपने नाक मत पोछो Don't wipe your nose with your shirt. Don't wipe your nose with your shirt. ज्यादा इतराव मत या फिर ज्यादा उड़ो मत ऐसे भी बोलते हैं हम कई बार तो इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं डोंट शो ऑफ टू मच डोंट शो ऑफ टू मच नेक्स्ट वन इज बचे हुए खुले पैसे रख लो कीप चेंज कीप चेंज उसने डर के मारे झूठ बोला शी lied ड्यू टू fear. शी lied ड्यू टू fear। उसका हमसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था शी हैड नो इंटेंशन ऑफ लाइंग टू अस शी हैड नो इंटेंशन ऑफ लाइंग टू अस मैंने आपके अलावा किसी से बात नहीं की i didn't talk to anybody else besides you. i didn't talk to anybody else besides you. everyone enjoyed. everyone enjoyed. next one is ap unki bate zarur you must listen to them. you must listen to them. ek taro fo jao. mu aside. Move aside. मेरी सारी चीज़ें जगह पर रखो कीप ऑल माई थिंग्स इन प्लेस कीप ऑल माई थिंग्स इन प्लेस मैंने उसे सुला दिया आई मेड हीम स्लीप आई मेड हीम स्लीप वो हमेशा धोखा देती है शी ऑलवेज चीर्स शी ऑलवेज चीट्स गुदगुदी करना बंद करो स्टॉप टिकलिंग में Stop टिकलिंग me. टिकल का मतलब होता है guys, गुदगुदी करना नेक्स्ट इज वे एक दूसरे से नफरत करते थे दे हेटेड each other. दे हेटेड each other. मैंने बिस्तर लगा दिया है आई हैव मेड द बेड आई हैव मेड द बेड वहाँ कितने लोग आए हैं हाउ मैनी पीपल हैव कम there?

यू आर coughing बैडली तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए यू शुड सी अ डॉक्टर यू शुड सी अ डॉक्टर अपना काम जल्दी से खत्म करो फिनिश your वर्क क्विकली फिनिश यूर वर्क क्विकली अगला सेंटेंस है मैं इसके बिना भी, भी कर सकती हूँ आई कैन डू विदाउट इट टू आई कैन डू विदाउट इट टू नेक्स्ट वन इज वो बाहर जाने के लिए मरा जा रहा है He is dying to go out. He is dying to go out. Guys, किसी चीज़ को करने के लिए मरे जाना मतलब किसी चीज़ को करने के लिए बहुत उत्सुक होना और इसके लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है डाइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे कि वो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा था ही वॉज़ डाइंग टू टॉक टू यू या फिर बोलना हो कि वो चॉकलेट खाने के लिए मरा जा रहा है ही इज डाइंग टू ईट चॉकलेट इस तरह के आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो नेक्स्ट वन इज उसकी शादी करा दो गेट हिम मैरिड गेट हिम मैरिड मुझे वो बात बताओ टेल मी दैट थिंग टेल मी दैट थिंग मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो I know you are hiding something from me I know you are hiding something from me Mujhe sach janna hai I want to know the truth I want to know the truth Next one is bahar in intezar karo Sit outside and wait Sit outside and wait Next one is doper ke khane samay ho hai It's time for lunch इट्स टाइम फॉर लंच यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ मिल्क हीयर और यू कैन से देयर इज़ नो स्क्योर ऑफ मिल्क हीयर स्क्योर का मतलब होता है कमतरता या कमी नेक्स्ट वन इज़ मैं बेचैन होता जा रहा हूँ आई एम गेटिंग रेस्टलेस नेक्स्ट वन इज़ उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है इट्स नो यूज मेकिंग हर अंडरस्टैंड इट्स नो यूज मेकिंग हॉर अंडरस्टैंड उसने काम पूरा कर दिया है ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क तुमने सब गड़बड़ कर दी यू मेस्ट एवरीथिंग अप यू मेस्ट एवरीथिंग अप या फिर आप यू मेस्ट अप एवरीथिंग ऐसा भी बोल सकते हो दरवाज़ा ठीक से बंद करना लॉक द डोर प्रॉपरली लॉक द डोर प्रॉपरली आज क्या होने वाला है वॉट इज गोइंग टू हैपन टूडे वॉट इज गोइंग टू हैपन टूडे इतना तेज मत भागो डोंट रन सो फास्ट डोंट रन सो फास्ट तुमने मुझे वहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया वाई डिड यू लीव मी अलोन देअर वाई डिड यू लीव मी अलोन देअर अगला सेंटेंस है गाइज़ हमारा जैसे कि हमें कई बार बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा तो इसे इंग्लिश में कुछ ऐसा बोला जाता है इट्स नेवर टू लेट टू मेंड इट्स नेवर टू लेट टू मेंड तो फ्रेंड्स ये थी आज की कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अक्सर अपलोड करती रहती हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग बाय बाय एंड स्टे एट होम